का मतलब, जीवन का मतलब जो बनता है, जीवन का जो जब मतलब में जाते हैं, जीवन अपने क्रियाएं क्या करता है इस स्वरूप में जाते हैं। जीवन क्रियाएं मूलतः पांच भागों में हम देख पाते हैं। हर स्थिति में दो दो क्रियाएं होते हैं, स्थिति गति के रूप में। जैसा मनुष्य में, हर मनुष्य में आशा नाम की चीज होती है। आशा में चयन क्रिया होता है, क्या चयन करना है, आस्वादन अपेक्षा बराबर आशा। आस्वादन के लिए क्या चीज हम चयन करते हैं, एक क्रिया है। आस्वादन करते हैं, एक क्रिया है। इस क्रिया करने वाला भाग का नाम है मन। मन में दो क्रियाएं देखा गया, आस्वादन और चयन। चयन क्रिया में हमारा आस्वादन के लिए क्या क्या चीज चाहिए उसको सोचते सोचते मनुष्य जो है ना तमाम प्रकार की परिकल्पना किया है, तमाम प्रकार की चीजों को इकट्ठा किया है, तमाम प्रकार की चीजों को इकट्ठा करने में संलग्न है। ये आप हमको विदित है। इन तमाम प्रकार की चीज कह के लिए भाई पूछा, इसका ध्रुवीकरण होता है शरीर पोषण संरक्षण और समाज गति के लिए तमाम चीज चाहिए। अभी तक हम जो अभ्यास की है सुविधा संग्रह के लिए हम चीजों को इकट्ठा करते हैं, उसका कारण क्या रहा, हम सुविधा संग्रह की प्रयोजन और सार्थकता को जानने मानने में जितना पीछे रहे हैं उतने ही सुविधा संग्रह के लिए हम विवश होते गए। अब सुविधा संग्रह की झंझट ऐसा फंसाया जो सुविधा संग्रह में कहीं भी तृप्ति बिंदु का स्थान नहीं है। जितने भी सुविधा इकट्ठा करो वे फिर भी वो कम ज़्यादा के चक्कर में ही है, और कितने भी ना करो तो भी कम ज़्यादा के चक्कर में है। इस चक्कर का भी समाप्त होता ही नहीं है। इस ढंग से सुविधा संग्रह का कहीं भी तृप्ति बिंदु मिली नहीं, इसमें मनुष्य को तकलीफ पैदा हुई। इसकी सार्थकता को, व्यवहारिक प्रयोजनों को पहचानने पर यही निकला कि शरीर पोषण की बात है, पोषण के लिए द्रव्य चाहिए, ये बात सही है, और ये आहार आवास अलंकार से ही पूरा हो पाता है। और समाज गति की जहाँ तक बात आती है उसमें दूरश्रवण दूरगमन दूरदर्शन संबंधी वस्तुओं की आवश्यकता महसूस होती है। ये सभी चीज़ मनुष्य को उपलब्ध हो गई है और इससे अभी तक तृप्त हुआ नहीं है। यही सबसे बड़ी भारी मैंने एक विडम्बना की मुद्दा है। तृप्त हो कैसा हुआ जाए यही हमको चाहिए। उसके बाद जीवन में और ये दो क्रिया तो सभी को ही जानते हैं, और दो क्रिया जीवन की होती है जो तुलन और विश्लेषण। विश्लेषण क्रिया को हर मनुष्य अपने बलबूते पर जो कुछ भी हो सकता है करता ही है। इन तमाम विश्लेषणों से प्रयोजनों को ही पहचानने की बात आती है। प्रयोजन को पहचानने के बारे में पहले अपन ध्रुवीकृत हो चुके हैं। प्रयोजन मूलतः प्रमाणित होना है, जागृत होना है, समाधानित होना है, समर्थ होना है, और वर्तमान में विश्वास होना है, व्यवस्था में जीना है, और अभयतापूर्वक जीना है, और सहअस्तित्व को प्रमाणित करना है। यही कुल मिलाकर के प्रयोजन है। इन प्रयोजन के लिए हम जीना है। यदि विपरीत दिशा में ले जाएं, जो भोग अति भोग बहुभोग की ओर ले जाएं, तो मनुष्य कहीं भी टिक नहीं पाएगी। तो अभी जैसा विज्ञान निष्कर्ष निकलता है, मनुष्य कुछ देर के बाद मरी जाएगा सब, और सारा धरती नष्ट हो जाएगी, जैसा कल्पना दे रहा है वो हो ही जाना है। मनुष्य धरती के रूप में, धरती के विधि में अपन सोचे तो पता लगता है, धरती अपने में सर्वसमृद्ध होने के बाद ही मनुष्य को इस धरती पर आवास योग्य होने के बाद मानव अवतरित हुआ। मानव को शनि शनि जागृत होने के अवसर प्रदान किया। मानव जागृत होने के स्थान पर मैंने भोग अतिभोग के ओर अपने दिशा को बनाया। इसका ये तो आप सर्वविदित ही है।
इन दिशा बनाने के आधार पर संग्रह सुविधाएं कहीं भी अंतहीन तादाद पर चले गए। वो जितना अधिकाधिकारी आज संग्रह सुविधा है जिसके पास, और उतने तादाद में सबको संग्रह सुविधा को यदि गणित किया जाए, उतना सामान धरती में है ही नहीं, उतना सामान धरती में है ही नहीं। इस आधार पर संग्रह सुविधा की ये खबीस है, ये कहीं ना कहीं आदमी को डुबाने के ही है। इसीलिए प्रयोजन से सारा संग्रह को, सारा सुविधा को प्रयोजन से सम्मत करना आवश्यक है। प्रयोजनों के लिए यदि हम सम्मत करते हैं तो यही निकलता है कि शरीर पोषण संरक्षण और समाज गति निकलता है, तीन निकलता है। और उसके बाद इसको समाज गति के ओर जाते हैं तो यही निकलता है अखंड समाज में भागीदारी करना और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना। इन दो विधा में इसका मैंने स्वाभाविक रूप में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तन के आधार पर मनुष्य जीने जाता है तो स्वयं सुखी होता है, दूसरों के साथ सह अस्तित्व में जीना बन जाता है। इतने ही कुल स्वरूप है। इस विधि से हम आप सब अस्तित्व में जागृति को प्रमाणित करना है एकमात्र उद्देश्य है। उसका प्रमाण स्वरूप ये है, व्यवस्था में व्यवस्था के रूप में जीना है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना ही गवाही के रूप में मिल पाता है। इसमें अद्भुत स्रोत यही है, हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना ही चाहता है, यही इसका मूल शोध सफलता का आधार है। आप भी व्यवस्था में जीना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। व्यवस्था का मूल तत्व में पहले भी अपन स्पष्ट हो चुके हैं, भय और प्रलोभन के स्थान पर मूल्य और मूल्यांकन को, उभय तृप्ति को पहचानने की आवश्यकता है। इसी विधि से समझदारी को विकसित करने की आवश्यकता है। कुल मिला के नहीं, अभी प्रस्तुत प्रसंग यही है जीवन का स्वरूप। जीवन ऐसे देखा गया है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि और आत्मा का अविभाज्य स्वरूप है। ये कभी भी अलग अलग होते नहीं, ये पहला बात है। इसका कार्य रूप है, मन का दो कार्य रूप है, चयन और आस्वादन। वृत्ति का दो कार्य रूप है, तुलन और विश्लेषण। चित्त का दो स्वरूप, दो कार्य रूप है, चिंतन और चित्रण। और बुद्धि का दो कार्य रूप है, बोध और संकल्प। और आत्मा का दो कार्य रूप है, अनुभव और प्रामाणिकता। ये दस क्रिया के रूप में तो हर जीवन में और हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सतत कार्यरत जीवन ये दस क्रियाएं करने के लिए उद्यत है। ये दस क्रियाएं करते हुए भ्रम निर्भ्रम, भ्रम और जागृति के रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। भ्रमित होने के स्वरूप को भी देखा गया है और जागृत होने के स्वरूप को भी देखा गया, भले प्रकार से देखा गया है और समझा गया है, उसी को समझाने की ये प्रयास कार्य है। तो भ्रमित अवस्था में जीवन क्या करता है, कितना करता है, कार्यरत रहता है, और जागृत अवस्था में कैसे रहता है। जागृत अवस्था में अनुभव मूलक विधि से पूरा जीवन कार्यरत होता है, और भ्रमित अवस्था में संवेदनशीलता से अनुप्राणित रहता है, और जीवन के केवल जो दस क्रियाएं बताए उसमें से 4.5 क्रियाएं क्रियारत रहते हैं, बाकी जागृत रहते नहीं हैं। क्रियारत रहते हुए उनके लिए जो बाकी भागों को समझाने की वस्तु नहीं रहती है, इसी कारण से अंतर्विरोध जीवन में बना रहता है, इसको भले प्रकार से देखा गया है। तो वो 4.5 क्रियाएं ये है, चयन आस्वादन, ये संवेदनशीलता के आधार पर होता ही है, जिसको आप हम जानते ही हैं। और हाथ पैर नाक कान के लिए अच्छा लगने वाले वस्तु को हम अपनाते हैं और बाकी कुछ खराब लगने वाली चीज़ को छोड़ देते हैं, इसको संवेदनशीलता के आधार पर
हम शुरुआत कर देते हैं। संवेदनशीलता के पक्ष में ही आज तुलन नाम की क्रिया वृत्ति से करता है प्रेरित लाभ के रूप में, ये एक क्रिया है। और इसी के अर्थ में विश्लेषण हम कर लेते हैं तो हमको ये संवेदनशीलता में ही जीना है। ये तो इसके लिए तो बहुत सारा दस्तावेज भी तैयार हो चुके हैं, आप लोग सब जानते हैं। इसी पक्ष में जो चित्रण क्रिया को भी संपादित कर लेते हैं, जैसा मकान बनाना, कपड़ा बनाना, यंत्र बनाना, ये सब चीज़ को चित्रित कर लेते हैं। चित्रित करके हम अपने कुल मिलाकर के इंद्रिय संवेदना के अर्थ में अथवा इंद्रिय संवेदना को ही जीवन मानते हुए हम जीने के लिए तत्पर हो गए हैं। इसी का नाम है भ्रमित जीवन। इसका अंतर्विरोध होता ही रहता है, ये ठीक है, वे ठीक है, वो ज़्यादा है, कम है, इस प्रकार की सारा संकट मनुष्य के सामने रखा ही रहता है। ये पहले भी रहा है, अभी भी रहा है। तो वस्तुएं ज़्यादा हो गई कम हो गई यही हो सकता है, किंतु मानसिकता तो उतने ही, ज़्यादा कम, बड़ा छोटा, और विद्वान मूर्ख, और जो धनी निर्धनी, इस प्रकार की दूरियाँ आदिकाल से ही रही है, अभी भी वो चीज़ है। मानसिकता आदि मानव का ही है, ये चार चार क्रियाएं में। ये मानव मानसिकता के लिए और जो 5.5 क्रियाएं हैं वो जागृत होने की आवश्यकता है, वो समझदारी से ही जागृत होता है। तो समझदारी का बात आपको ये इंगित कराने की कोशिश किया था। तो पहचानने निर्वाह करने के लिए ये 4.5 क्रियाएं पर्याप्त है, इसी से मनुष्य जीता भी है। ये मन पशु जैसा जीने के लिए पर्याप्त है, मानव जैसा जीने के लिए पर्याप्त नहीं हुई, यही संकट है। मानव होते हुए जीव जैसा जीवों के सदृश जीना बनता नहीं है, उससे संतुष्टि पाना संभव नहीं है। ये तो सब बहुत सारे गवाहियाँ गुजर चुकी हैं, सबके सामने गुजर चुकी है, ऐसा मेरा सोचना है। और भी गवाहियाँ चाहते तो शोध भी किया जा सकता है। अब जो मूल मुद्दा, 10 क्रियाएं जीवन में संपादित होते हैं, वो सारे क्रियाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना ही जागृति है। उसमें से केवल थोड़े भाग को जागृत बने प्रमाणित करना जागृति नहीं होती है। जैसा उसको एक छोटा सा मैंने अपने में ही देखने वाली बात सोचें, जैसा शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ है तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय अपने आप में सटीक एक दूसरे के तालमेल से काम करते रहते हैं, इसको देखते हैं। इसमें से यदि पैर काम नहीं करता हो, हाथ नहीं काम करता हो, बाकी 3 काम करता हो, तो उसको लूला लंगड़ा ही कहेंगे, तो वो स्वस्थ आदमी कहा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार जीवन में जो 10 क्रियाएं हैं, ये नित्य वर्तमान है, नित्य क्रियाशील हैं। इन 10 क्रियाएँ वर्तमान में प्रमाणित होना, यही कुल मिलाकर के जागृति का मतलब है। जागृति तब तक नहीं हो सकती जब तक जानने मानने वाली क्रिया को हम पहचानने निर्वाह करने के साथ साथ जोड़ नहीं पाएंगे। हम अभी तक जो है पहचानने निर्वाह करने की विधि से हम ये 4.5 क्रिया को हम प्रमाणित कर दिया है। मानव परंपरा जब बच्चे पैदा होते हैं और बचपन से ही ये 4.5 क्रिया की ओर है, वो बुढ़ापा भी वहीं तक पहुंच करके अंत हो जाता है। यही मानव का, सर्वमानव का पराभव का आधार है। आगे क्रियाएं यदि व्यवहार में प्रमाणित होती हैं, उसी वही जागृति का आधार है। वो जानने मानने की विधि से ही होगी, जानने मानने की तृप्ति बिंदु को पाने की विधि से होगी। पहचानने निर्वाह करने के क्रम में मानव तृप्ति बिंदु को पाता नहीं। और जो अन्य संसार जो पहचानने निर्वाह करने के क्रम में कैसे रहता है, नियमित रहता है, नियम के अनुसार काम करता है, नियंत्रित रहता है, ठीक है, संतुलित रहता है, इस विधि से व्यवस्था है, समझदारी की विधि से व्यवस्था नहीं है। ये बात आप हमको एक रेखाकरण की विधि से समझ में आना है। ये इसी को समझने में अभी तक अपन बहुत सारा परेशान थे। सही गलती का आधार यही है। तो हम समझ गए हैं, जान लिया है, मान लिया है, तृप्ति बिंदु पा गया है, तभी हम जो अतृप्त मैंने पूर्णतः हम प्रमाणित 10 क्रियाओं का प्रमाणित करने योग्य हो पाते हैं।
अन्यथा हम हो ही नहीं पाते हैं। इसको ऐतिहासिक विधि से भी शोध किया जा सकता है, यह रुका हुआ यही है। यह एक बहुत ही मार्मिक बिंदु है, इस पर सभी मेधावियों का ध्यान जाना चाहिए, ऐसा मेरा एक प्रकार से विनय है। ये इस बिंदु पर और आगे हम सोचते हैं, ये दस क्रियाएं जो होते हैं, जैसा एक बार और एक बार दोहराते हैं, चयन आस्वादन मन में दो क्रियाएं निरंतर होता रहता है, वृत्ति में तुलन और विश्लेषण दो क्रियाएं होते रहते हैं, और चित्त में चिंतन और चित्रण दो क्रियाएं होते रहते हैं, बुद्धि में बोध और संकल्प ये दो क्रियाएं होते रहते हैं, आत्मा में अनुभव और प्रामाणिकता ये दो क्रियाएं होते रहते हैं। ये जब कोई भी जागृत होने की बात आती है, अनुभव और प्रामाणिकता मूलक हमारा बोध संकल्प कार्य करना शुरू करता है, और उसी के अनुरूप में चिंतन और चित्रण संपादित होना शुरू कर देता है, और उसी आधार पर वह तुलन और विश्लेषण हो पाता है, उसी के अनुरूप चयन और आस्वादन होना शुरू करता है। कुल मिलाकर के इसमें परिवर्तन क्या हो जाता है, अब हम संवेदनशीलता को वो बहुत सर्वोपरि मूल्यवान मान करके हर योजनाओं को तैयार करते हैं, उन्हें उसके स्थान पर मूल्य और मूल्यांकन ही आता है, और संवेदनशीलता के साथ साथ भय और प्रलोभन ही जो जुड़ा रहता है वो मूल्य और मूल्यांकन के साथ विलय को प्राप्त करता है। यही जागृति का व्यवहारिक स्वरूप है, इससे हम व्यवस्था में जीना बन जाता है। जागृत होने के बाद संवेदनशीलता विधि से हम व्यवस्था में जी नहीं पाते। संवेदनशीलता का जो इसका क्या कारण है उसको भी शोध किया गया है, उसमें हमने देखा है कि संवेदनशीलता पूर्वक जीने की जो पराकाष्ठा है वो जीव संसार में पूरा हो गया है। यदि संवेदनशीलता ही यदि अंतिम मंजिल होती और मनुष्य को होने की जरूरत ही नहीं रहा, नियति में कोई निष्प्रयोजन कोई स्थिति बनता नहीं, पूरा का पूरा सह अस्तित्व में अथा से इति तक या संपूर्णता तक, संपूर्णता में एक तालमेल एक सूत्रता एक संगीत पूर्वक एक व्यवस्था का स्वरूप ही है। हर गति हर स्थिति हर अवस्था एक सार्थकता सूत्र से जुड़ा ही है। सार्थकता सूत्र क्या है, व्यवस्था में होना, व्यवस्था के रूप में ही होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, ये मूल मुद्दा है। इस मूल मुद्दे के साथ पदार्थावस्था भी जुड़ा है, प्राणावस्था भी जुड़ा है, जीवावस्था भी जुड़ा है, ज्ञानावस्था जुड़ने के लिए भी अपने को शोध और अनुसंधान करना शेष है, बात इतनी ही। जबकि हम मानव ये मान के चलते हैं सबसे ज्यादा हम कहीं हो गए हैं और सबके ऊपर राज करेंगे, सबके ऊपर अधिकार करेंगे, प्रकृति पर हम अधिकार करेंगे, शासन करेंगे, ये सबसे एक्सिली की बात सुनने में आती रही है। ये हविष्यों की बात से जो परिणाम हुआ आपको भी पता है, हमें भी पता है, इसमें आप हम सब विद हैं। तो अब रह गया उसी को लेके चलना है या परिवर्तन चाहते हैं, यही दावे की बात है। परिवर्तन चाहते हैं तो यह प्रस्ताव एक है, इसको ये आग्रह कुछ भी नहीं है, एक प्रस्ताव है, इसको आप हम सब शोध कर जांच सकते हैं, यदि इससे हमको राहत मिल सकता है इसको अपना सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। उसका इतने ये मेरा दावा यही है, मेरा सत्यापन यही है, मैं इस विधि से सुखी हुआ, यहाँ तक तो मैं कहूँगा ही, मेरे अधिकार की बात है ये, इसको ये मैं सुखी हुआ, मैं समाधानित हुआ, मैं अपने में स्वायत्त हुआ, मैं अपने में मैंने समृद्धि का अनुभव करने योग्य हुआ, ये हमारा सुख का स्रोत बना, इतनी ही बात। इसी प्रकार से हर व्यक्ति हो सकता है, ये मेरा कुल मिलाकर के परिकल्पना है या प्रस्ताव है, इसके इसके आधार पर आगे की बात है।